बात करते हैं जमैका टेस्ट की, जिसमें टीम इंडिया ने 257 रन से बड़ी जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। टीम इंडिया ने जीती टेस्ट सीरीज की जंग। विराट के वीरों ने किया विंडीज को बेदम। विराट ने जीत से की दौरे की हैप्पी एंडिंग। टीम इंडिया ने किया टेस्ट में विंडीज का क्लीन स्वीप। टीम इंडिया ने जमैका में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 257 रन से जीता। इसके साथ ही टीम इंडिया ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के सामने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 210 रन पर सिमट गई। इसके बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 159 रन पर 5 विकेट हो गया। टीम इंडिया की ओर से जमैका टेस्ट की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने 19.5 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वहीं मोहम्मद शमी ने 16 ओवर में 65 रन देकर 3 कामयाबी हासिल की। इसके अलावा ईशान शर्मा ने 12 ओवर की गेंदबाजी में 37 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि दूसरी पारी में बुमराह के खाते में 1 विकेट आया। वैसे वाकई अभी की तो जो टीम है रवीश, उसको देखकर लगता नहीं है कि किसी का भी मतलब कोई इसका मुकाबला कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं। लेकिन मनीष सर, ये पहली बार है जब विंडीज को बैक टू बैक इस तरह से 4 लगातार टेस्ट में हराया, क्योंकि इससे पहले आपको याद हो तो 2013 से 2016 के बीच में हमने देखा था जब 3 टेस्ट मैच हराए थे, पूरा एक तरफा था, कोई कंपटीशन दिखाई नहीं दिया। देखिए, ये सेल्फ बिलीफ है, एक्चुअली विराट कोहली का सेल्फ बिलीफ है, और जब आपके कैप्टन इस तरह के एग्रेसिव हो और सेल्फ बिलीफ हो तो टीम में भी वो रबॉन करता है, क्योंकि निश्चित रूप से जब टीम मीटिंग्स होती है, जब वो बात करते होंगे तो हौसले बुलंद हो जाते होंगे टीम के, और वो मैदान के ऊपर दिखता है। लेकिन इसमें भी कंसिस्टेंसी लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत बढ़िया टीम्स के साथ खेलते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि इंग्लैंड में जाके सीरीज़ नहीं जीत पाए, साउथ अफ्रीका में नहीं जीत पाए, मुझे लगता है वहाँ भी जीत सकती थी ये टीम। वहाँ पर सेल्फ बिलीफ थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि पिचेस कुछ इस तरह की थी जहाँ पर कि इनके बैट्समैन को, इंडियन बैट्समैन को परेशानी हो रही थी। सो वो भी सेल्फ बिलीफ मुझे लगता है धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि हमें याद है 2013-14 में जो सीरीज़ खेली थी इंग्लैंड में, रन्स नहीं बना पाए थे, 10 इनिंग में केवल 134 रन बना पाए थे विराट कोहली, लेकिन अगली सीरीज में 593 रन बनाए थे। सो मुझे लगता है अगली सीरीज जो खेलेंगे, थोड़े से शायद झटका लगना भी लेसन के लिए जरूरी है, वरना वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मुझे लग रहा है कि शायद टीम सिलेक्शन भी हिमानी उन दौरों में भारत का अच्छा नहीं रहा।